हाय एवरीवन, मैं नवनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल फ्रेंकी, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और इसे बनाना भी आसान है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे, तो इसके लिए बोल में हम लेंगे 1 कप मैदा और 1 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैंने यहाँ पे आटा और मैदा को हाफ हाफ करके लिया है। आप चाहे तो इसे मैदा या फिर आटे से भी बना सकते हैं। और ये हमारा एकदम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और तब तक हम चिल्ली पिकल बनाएंगे। तो इसके लिए एक बाउल में लेंगे 4 पीस कटी हुई हरी मिर्ची, तो ये मैंने कम तीखी वाली ली है। अब इसमें थोड़ा नमक और 4 बड़े चम्मच विनेगर डालकर इन्हें मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अब फ्रेंकी मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए बाउल में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच नमक लेंगे। तो नमक हम थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि हमने इसमें काला नमक और चाट मसाला भी डाला है। और ये हमारा फ्रेंकी मसाला बन गया है। आप इसे पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। और अब डो को रखे हुए भी 15 मिनट हो गए हैं, तो इसे एक बार फिर से 1 मिनट के लिए गूंथकर स्मूथ कर लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे, जैसे हम चपाती के लिए बनाते हैं, बस उसी साइज की हमें ये बनानी है। ये 1 लोई हमारी बन गई है, तो मैंने सेम वैसे सारे आटे की लोइयां तैयार कर ली हैं। अब हम फ्रेंकी शीट बनाएंगे, तो 1 पेड़ा लेंगे, इसे सूखे आटे से कोट करेंगे और उसके बाद इसे बेल लेंगे। इसे हम चपाती से थोड़ा पतला करके बेल लेंगे। फ्रेंकी शीट जितनी पतली होगी फ्रेंकी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये मैंने 1 शीट को बेल लिया है और अब हम इसे सेक लेंगे। तो इसके लिए तवा को मीडियम गर्म करेंगे, शीट को इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर हल्के ब्राउन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। ये नीचे की तरफ से सीख गई है, अब इसे पलटकर दूसरी साइड से भी हल्के ब्राउन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। तो इसे हमें हाफ ही कुक करना है, बाकी का हम इसे बाद में पकाएंगे। तो ये हमारी 1 फ्रेंकी शीट बन गई है। अब सेम इसे बाकी सारी शीट को भी सेक लेंगे। कि मैंने सारी फ्रेंकी शीट को सेक लिया है और अब हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालकर इसे गर्म करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच ग्रेट की हुई अदरक और 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालकर इन्हें 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और इन्हें हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, इनका कलर चेंज नहीं होने देना है। अब मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, तो इन्हें हम रफली मैश कर डालेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच फ्रेंकी मसाला जो हमने अभी बनाया था, 1/2 छोटा चम्मच नमक, तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद इसे 2 मिनट तक भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसकी बोल बना लेंगे और इसके बाद इसकी कबाब के जैसे लंबी करके टिक्की बना लेंगे। इसे हल्का सा चपटा करेंगे, तो ये हमारी 1 टिक्की बन गई है और मैंने ये कुछ टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें सेक लेंगे। अब तवा पर थोड़ा सा बटर डालकर इसे फैला लेंगे, आप बटर की जगह ऑयल या फिर घी भी ले सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ टिक्कियाँ रखेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ब्राउन कोटिंग आने तक सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं सेकना है। ये नीचे की तरफ से सीख गई हैं, तो इन सबको पलट देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हल्की ब्राउन कोटिंग आने तक सेक लेंगे। टिक्कियाँ दोनों तरफ से अच्छे से सीख गई हैं, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब तवा पर 1 छोटा चम्मच बटर डालकर इसे फैला लेंगे, इसके ऊपर 1 फ्रेंकी शीट रखेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगाएंगे और इसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक सेक लेंगे। जब ये नीचे की तरफ से सीख जाएगी तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन होने तक सेक लेंगे। तो ये हमारी 1 फ्रेंकी शीट रेडी हो गई है। अब सेम वे से बाकी सबको भी सेक लेंगे। फ्रेंकी शीट को आप पहले से भी बना कर रख सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी को बची हुई रोटियों से भी बना सकते हैं। हमारे सारे प्रिपरेशंस हो गए हैं और अब हम फ्रेंकी बनाएंगे, तो इसके लिए फ्रेंकी शीट लेंगे और इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, इसके हाफ साइड में केचप लगाएंगे। अगर आपको इसका मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आलू की टिक्की लगाएंगे, तो मैंने ये थोड़ी छोटे साइज में बनाए हैं इसलिए मैं ये 2 करके लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ी प्याज और पत्ता गोभी लगाएंगे और इन दोनों को मैंने जूलियंस में कट करके लिया है। इसमें आप अपनी पसंद की कोई और वेजिटेबल जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्ची वगैरह भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा चिल्ली पिकल, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा फ्रेंकी मसाला डालेंगे।
अब एक चीज क्यूब लेंगे और इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। ये ऑप्शनल है, या फिर आप इसकी जगह मायोनीज भी लगा सकते हैं। और अब इसे टाइटली रोल करेंगे। आप चाहें तो इसे मार्केट के जैसे फॉइल पेपर में रैप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक फ्रेंकी बन गई है, और ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल फ्रेंकी बनकर तैयार है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही फ्लेवरफुल होती है, या फिर आप इन्हें ग्रीन चटनी और केचप के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी इस हेल्दी और इजी सी रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।